हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक, तत्वचिंतन, ग्लैंड फार्मा तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं। कोई कल के आए थे या परसों आए थे, तो इन्हें वीडियो को जाके देखिए। यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न, यहाँ पर कुछ टेक्निकल, कुछ फंडामेंटली यहाँ पर टारगेट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्हें जाके एक बार देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, दूसरे वीडियोस को जाके देखिए। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। और हमारी सर्विसेज चाहिए प्राइवेट, तो आप यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर बात करके आगे कैरी फॉरवर्ड बातें को कर सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं एक स्टॉक से रिलेटेड। थंबनेल में आपने देख लिया है, ओके। बर्जर किंग के लिए, बर्जर पेंट्स के लिए सॉरी, यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरीके की न्यूज कुछ टाइम पहले एक पर्टिकुलर शेयर में थी, और वो शेयर आज की डेट में 1300 रुपए से यहाँ पर 6000 और 7000 रुपए ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बर्जर पेंट की बात करें, एक बेहतरीन शेयर है यहाँ पर ये, और ये एक बेहतरीन लेवल पर जा सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं क्या है न्यूज, क्या क्या फायदा होता हुआ नजर आएगा। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए जितना हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के वीडियो तभी बनाने में मजे आते हैं जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूँ। एक न्यूज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये न्यूज मैं बात करूंगा किसकी, बर्जर पेंट्स की। बट न्यूज हमारी किसके लिए है, न्यूज है एशियन पेंट्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, विसल ब्लोअर एलिज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बाई एशियन पेंट्स प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर विसल ब्लोअर्स होते हैं, मतलब अंदर के ही लोग होते हैं, ओके, बड़े बड़े चेयरमैन टाइप में, या बड़े बड़े जो उनकी बोर्ड मीटिंग में होते हैं, बड़े जो शेयर होल्डर होते हैं, वो ही उन्हीं को विसल ब्लोअर कहते हैं। और वो ही अंदर के लोग होते हैं ना, वो अपने पर्टिकुलर उस कंपनी से रिलेटेड जो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है, ऑब्वियसली बात है कंपनी की बातें, खुद की कंपनी के बारे में बात करते हैं, और वो बताते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। या विसल ब्लोअर का सिंपल सा मतलब हो गया कि वो नेगेटिविटी फैला देते हैं एक तरीके से, और अच्छे शेयर होल्डर के लिए एक संकेत मिल जाता है कि वहां से एग्जिट करना है या वहां पर से एंट्री लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें न्यूज क्या है, तो न्यूज यही है कि विसल ब्लोअर हैज फ्लैग्ड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैरियड आउट बाई द प्रोमोटर्स ऑफ एशियन होल्डर। तो अगर हम देखें तो एशियन होल्डर के जो चेयरमैन है, ओके, मिस्टर दानी, उन्होंने एशियन पेंट्स के, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, एशियन पेंट्स के जो पैसे है, ऑब्वियसली बात है एशियन पेंट में जो पैसे है केवल प्रमोटर्स के नहीं है, आप लोग मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स है उन सबके पैसे लगे होते हैं। उन पैसों का यूज करके एक पर्टिकुलर कंपनी है, ओके, उस कंपनी को उन्होंने खरीदते हुए नजर आए हैं। और वहां पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेबी दैट मनी टू बाई अ कंपनी कॉल्ड पलादीन पेंट्स एंड केमिकल्स, पीपीसी एक कंपनी है, ओके, उसे किसने, एपीएल मतलब यहाँ पर एशियन पेंट्स की जो लिमिटेड है उसके जो प्रमोटर्स है या चेयरमैन है अश्विन दानी और उसके सन और उनकी वाइफ, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन पैसों का यूज करके ये पर्टिकुलर कंपनी में ये कंपनी ऑलमोस्ट खरीदते हुए नजर आया, या फिर कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टेक खरीदते हुए नजर आया। तो उन्होंने गलत पैसे को यूज करके, ओके, उन्हें ये पैसे यूज नहीं करने चाहिए थे, खुद के पैसे करते ठीक था, बट दूसरे पैसे यूज करके, प्रमोटर शेयर होल्डर्स के पैसे यूज करके ये कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बढ़ाते, कंट्रोलिंग स्टेक लेते हुए दिखाई दिए। इस वजह से क्या हो गया है, इस वजह से ये हो गया है, सेबी अब उसकी छानबीन करेगी, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर एशियन पेंट का शेयर नीचे आएगा। और एशियन पेंट का जब शेयर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं दूसरी एक पर्टिकुलर कंपनी जो इसकी कॉम्पिटिटर है और बड़ी कॉम्पिटिटर है, उसे यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो एशियन पेंट के बाद मार्केट में अगर बात करते हैं किस कंपनी की आती है, तो उसकी बात आती है बर्जर पेंट्स की। तो बर्जर पेंट सेकेंड लार्जेस्ट पेंट का इंडस्ट्री है अगर बात करें इंडिया की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी काफी बेहतरीन है। और इसके रिजल्ट की बात करें, इसके अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, एशियन पेंट के रिजल्ट आए थे, थोड़े नेगेटिव आए थे, उस वजह से यहाँ पर गिरावट होती नजर आई है एशियन पेंट में। बट बर्जर पेंट के लिए ये कंपनी, ये एक गुड न्यूज है। क्यों है गुड न्यूज, वो आगे चल के बताएंगे, बट इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर ये पेंट इंडस्ट्री है, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं, अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत एड भी चलाई जा रही है, मार्केट कैप 71,000 के आसपास है, पी 84 है, आर ओ सी आर
ROE काफी बेहतरीन है 2723। डेट की बात करें 19 और प्लस की बात करें 0, तो कोई यहाँ पर डेट भी कम है, प्लेजिंग भी कम है और यहाँ पर शेयर अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट 150 रुपए के आसपास हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है। 9 रुपए का शेयर 900 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था कुछ टाइम पहले। और यहाँ पर देखे तो सेम पी के लगभग सेम पी पे कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आती है और इंडिगो इससे भी ज्यादा महंगी नजर आती है। तो इंडिगो को हम साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं बर्जर पेंट की। तो मैं आपको बर्जर पेंट पे ही क्यों जोड़ दे रहा हूँ उससे रिलेटेड आगे बात करेंगे। देखिए अभी तक इसके रिजल्ट आए नहीं है और इसके रिजल्ट अगर हम एक बार देखना चाहे तो कब इसके रिजल्ट आएंगे, एक बार हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं लिखते हैं बर्जर पेंट्स तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी इसके रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो अभी तक इसके रिजल्ट की कोई डेट यहाँ पर अनाउंस हुई नहीं है, तो एक बार फिर भी हम यहाँ पर दोबारा NSE की साइट पर भी चेक कर लेते हैं तो आपको एक बार आइडिया आता हुआ दिखाई देगा। देखिए बर्जर पेंट लिमिटेड यहाँ पर कंपनी है, इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट अभी 6 अगस्त को आए थे, ओके। इसके बाद इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ही आने की उम्मीद है, 5 से 6 तारीख को लास्ट ईयर आते हुए दिखाई दिए थे नवंबर में, तो इसी के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो हम बात कर रहे हैं बर्जर पेंट को फायदा क्या होगा इस पर्टिकुलर न्यूज से, ओके। तो यहाँ पर हम समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके ये जो कंपनी है काफी बेहतरीन है, अच्छे खासे रिजल्ट हमेशा पेश करती है। लास्ट टाइम इसके रिजल्ट थोड़े से कमजोर हुए दिखाई दे, बट इस बार रिजल्ट शायद अच्छे आ सकते हैं। और यहाँ पर सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स अच्छी खासी है, कंपनी ने करोड़पति बनाया है लोगों को। और अगर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए बर्जर पेंट शेयर की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 24,904% के यहाँ पर रिटर्न किसने दिए, एशियन पेंट्स ने दिए। बट अगर हम बात करते हैं बर्जर पेंट्स की तो बर्जर पेंट के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बर्जर पेंट ने मैक्सिमम कितने परसेंट के रिटर्न दिए, इसने 42,000% के रिटर्न दिए। तो समझ रहे हैं कि बर्जर पेंट के रिटर्न इस एशियन पेंट से यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर देखिए कल परसों यहाँ पर हमने जब बाइंग करी थी तो हम बर्जर पेंट में यहाँ पर बाइंग कर रहे थे। ये न्यूज से रिलेटेड हमें कुछ नहीं था, बट ऑन द बेसिस ऑफ आर स्टडी हमने यहाँ पर बर्जर पेंट पे दाब लगाया था एशियन पेंट की जगह। और यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे को ही मैंने यहाँ पर बाइंग करी है। और यहाँ पर ROC की बात करें, अच्छे खासे ROC पे कंपनी काम करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए अच्छी खासी है और इस क्वार्टर में 0.01% की होल्डिंग बड़ी भी है। FIs अच्छे खासे है, DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 9% है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, बर्जर पेंट। देखिए कुछ टाइम पहले ऐसे ही कुछ एक कंपनी में होता हुआ दिखाई दिया था, कंपनी का सिनेरियो अलग है, कंपनी की बातें अलग है, ओके, बट मुद्दा सेम ही है। अगर बात करें यहाँ पर पैसे, अगर बात करें एशियन पेंट में पैसे यूज करें तो GM फोर्डलर में इनसाइड ट्रेडिंग का मामला यहाँ पर है। और अगर हम देखें तो GM फोर्डलर एक कंपनी है जिसका शेयर आज कहाँ पर चल रहा है, अगर हम यहाँ पर GM फोर्डलर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए GM फोर्डलर यहाँ पर शेयर चल रहा था और 10,000 के टारगेट बताए जा रहे थे, बट अभी बात करें तो 5,000 पे शेयर चल रहा है। और ये टूट के कितने पे आ गया था, यहाँ पर OFS आया था और इनसाइड ट्रेडिंग की बातें चल रही थी और ये शेयर 3300 रुपए पे आ गया था। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, बट इससे न्यूज को कितना हो गया, लगभग 1.25 साल के आसपास यहाँ पर इस न्यूज को हो रहा है, 1.25 साल से शेयर यहाँ पर भागता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट इसकी न्यूज का फायदा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा एक दूसरी कंपनी है उसे होता हुआ दिखाई दिया था जिसका नाम है HLE ग्लासकोट की अगर बात करें, ये शेयर अगर हम देखें फरवरी में ही देखते हैं तो 1700 रुपए का शेयर फरवरी से लेके अभी तक कहां पर 7000 रुपए तक को 7600 रुपए को टच कर चुका है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर GM फोर्डलर का फायदा किसने उठा लिया, HLE ग्लासकोट ने उठा लिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बात करें एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स में अगर इस तरीके की जो भी निफ्टी 50 का स्टॉक्स है यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आ रही है तो इसका फायदा कौन उठा सकता है, तो इसका फायदा उठा सकता है एक वन एंड ओनली स्टॉक जिसका नाम है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स की बात करें तो देखिए 1.25 साल लगभग 1 साल के लगभग इसे भी हो गए, लगभग 10 महीने हो गए एक ही चीज पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 17-18% यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर डाउन हो चुका है, अच्छे खासे 23 पर के RSI पे चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट हुई इतनी यहाँ तक आ सकता है 30-40 रुपए की गिरावट हो सकती है, बट ये गिरावट भी अपॉर्चुनिटी रहेगी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गिरावट होगी इस न्यूज के बाद। और एज वेल एज यहाँ पर स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्ट हो लिया, 6-7% यहाँ पर पहले भी गिर चुका है, तो ये शेयर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये शेयर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरे हिसाब से ये शेयर अगर भागता हुआ नजर आया तो शायद बहुत जल्दी 1500 का भी लेवल पैसे यहाँ पर डबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा। और बर्जर पेंट देखिए दिवाली आ रही है, इसका फायदा इसे होता हुआ दिखाई देगा। बेशक से सेल्स एशियन पेंट की ज्यादा होगी, बट
स्टॉक मार्केट में सेल्स मैटर नहीं करती, स्टॉक मार्केट में मैटर करता है न्यूज, यहाँ पर प्राइस का एक्शन, यहाँ पर प्राइस किसका ज्यादा भागता हुआ दिखाई देगा वो। और बर्जर पेंट और एशियन पेंट में मैंने आपको दिखाई दिया कि एशियन पेंट 24,000, इसने कितने 42,000 के रिटर्न, 42,000% के रिटर्न दिए। तो बर्जर पेंट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के व्यू से देखना है लॉन्ग टर्म के व्यू से देखिए, शॉर्ट टर्म के व्यू से देखना है शॉर्ट टर्म के व्यू से देखिए, न्यूज के व्यू से देखना है न्यूज के व्यू से देखिए। एक 23 के RSI पे सबसे पहली बात 250 DMA के बहुत नीचे चल रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बात, और तीसरी बड़ी बात यहाँ पर जब ये शेयर मूव करना शुरू करेगा अब इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, और ये शेयर अच्छे खासे लेवल पर ये भागता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट कैसे भी आया शेयर यहाँ पर भागता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इस सभी सिनेरियो को मिला के सभी का समावेश करके सभी का लेखा जो का देख के तो मुझे यहाँ पर बर्जर पेंट अच्छा लग रहा है। बर्जर पेंट में हमने फ्राइडे को भी यहाँ पर बाइंग करी है, उससे पहले भी बाइंग करी थी। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मुझे चीजें जो अच्छी लगती है वो मैं आपको भी बताता हूँ और सबको यहाँ पर बताता हुआ नजर आता हूँ, और मैं उनमें खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर चीजें अच्छी लग रही है, 17% का यहाँ पर शॉर्ट टर्म में टारगेट, उसके बाद लॉन्ग थोड़ा सा और अगर होल्ड रखते हैं, और यहाँ पर कुछ अगर बात करते हैं एशियन पेंट में कुछ सफाई आती नहीं है, जो कि अभी तक आती हुई दिखाई नहीं दी है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अभी तक कोई भी जवाब इन्होंने दिया नहीं है, और एक अगर कोई जवाब नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर में थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है तब तक, और ये बर्जर पेंट के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है और दूसरी पेंट्स कंपनी के लिए भी, बट बर्जर पेंट को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना, अच्छे खासे लेवल पर शेयर मिल रहा है, सब कुछ ध्यान से सोच के समझ के आप ट्रेड करेंगे तो पैसा अच्छा खासा खुद ऑटोमेटिकली बनता है, चाहे न्यूज हो या ना हो। हमने यहाँ पर बाइंग करी, हमें न्यूज नहीं पता थी स्टिल बाइंग करी, बट न्यूज पता है तो अभी यहाँ पर सोने पर सुहागा हो गया है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है, दूसरी वीडियोस को देखना है। हमारी सर्विसेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, पिंग कर सकते हैं तो हम आगे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।